हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखा था? हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबको पता होगा, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको सबको पता चला होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते थे? दो होते थे। जो पहला लॉ होता था, हमने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक तो पहला लॉ ये होता था। दूसरा लॉ क्या होता था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होते थे? एक ही प्लेन में होते थे। आपको याद होगा या तो मैंने आपको दिखाया होगा वीडियो में, आपने पढ़ा होगा कि एक हमारे पास क्या होता है, एक प्लेन मिरर होता है और इस प्लेन मिरर पर एक क्या आती है, यहां से इंसिडेंट रे आती है और ये इंसिडेंट इस प्लेन मिरर पर क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे क्या निकलती है, रिफ्लेक्टेड रे जाती है। ये आपका होता है इंसिडेंट रे, ये आपका होता है रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीचों बीच में क्या बनाते हैं, हम नॉर्मल बनाते हैं। तो मैंने वही कहा कि ये एक प्लेन के अंदर, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देखोगे इसको, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आप इस तरह से देखोगे तो आपको ये तीनों जो आपको रे दिखाई दे रहेगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये तीनों एक ही प्लेन में दिखाई देता है। तो इसके दो बड़े लॉ थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। एक तो मैंने आपको पहले बताया कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल और दूसरा आपका था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और क्या होता है आपका रिफ्लेक्टेड जो रे है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होता है। तो आज का वीडियो जो लेक्चर है हमारा, वीडियो लेक्चर आज का ये है कि हमें हमेशा यानी ऑलवेज हमें डे टू डे लाइफ में, इस रोजमर्रा की जिंदगी में, हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें प्लेन मिरर ही मिलेगा। हमें क्या कौन से टाइप के मिरर्स मिलते हैं, हमें कुछ डेप्थ टाइप के मिरर्स मिल जाते हैं, हमें कुछ बल्ब टाइप के मिरर्स मिलते हैं और उनमें भी क्या बनता है, उनमें भी इमेज फॉर्मेशन होता है। यानी उनमें भी आप अगर डेप्थ टाइप का अगर आपके पास कोई मिरर होगा तो आपका फेस उसमें भी दिखाई देगा, या आपके पास कोई बल्ब टाइप का मिरर होगा तो आपको उसमें भी दिखाई देगा। तो ये दिखाई दे रहा है ना कि इसका जो इमेज फॉर्मेशन जो बन रहा है, इसके पीछे का क्या फिनोमिना है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इस चीज को एप्लीकेशन, इस चीज को हम देखने वाले हैं इसके पीछे का क्या रीजंस है, एक बड़ी बात। दूसरी एक बड़ी बात ये हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो अभी अपने हम प्लेन मिरर में देखे कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो दो थे कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल, या फिर इंसिडेंट रे और आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में है, तो क्या ये जो लॉ है क्या डेप्थ में या फिर बल्ब टाइप के मिरर में भी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो इस चीज को समझने के लिए हम हेडिंग लगाते हैं, या हम आगे अपने हमारे जो टॉपिक है वो है कि एक स्पेरिकल मिरर की बातें करना चाहते हैं। किसकी बातें करना चाहते हैं हम, स्पेरिकल मिरर क्या होता है, इसको हम ना कर्व मिरर के नाम से भी जानते हैं। किस मिरर के नाम से जानते हैं, कर्व मिरर के नाम से जानते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम आपको स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं स्पेरिकल मिरर, और उसके बाद के जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे इनके कुछ टर्म्स यूज करने को हम समझेंगे। तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है, देखो बेटा हमारे पास क्या होता है ना कि दो तरह की ज्योमेट्री होती है, हमारे पास क्या होती है, दो तरह के ज्योमेट्री होती है। एक तो होता है हमारा सर्कुलर ज्योमेट्री और एक होता है हमारा स्पेरिकल ज्योमेट्री होता है। और स्पेरिकल ज्योमेट्री और जो आपका सर्कुलर ज्योमेट्री है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। इसका मैं आपको कंक्लूजन इसका मैं दूर कर देता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि एक ग्लोब को आप बनाओ, एक कॉपी में आप ग्लोब को बनाओ, तो आप ग्लोब को कैसे बनाओगे, क्या करोगे, कॉपी में आप एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे और उसको कहोगे कि दिस इज ग्लोब, और ये आपका क्या होता है, ये आपका एक सर्कुलर ज्योमेट्री हो गई। यानी आप जो ग्लोब को आप अपने कॉपी में बनाओगे वो आपका कौन सी ज्योमेट्री हो जाती है, एक सर्कुलर ज्योमेट्री हो जाती है। जो अगर जो ग्लोब खुद का जो ग्लोब है वो एक कौन सा ज्योमेट्री होती है, वो एक स्पेरिकल ज्योमेट्री होती है। लेकिन हमें इस वीडियो लेक्चर में यानी इस क्लास के अंदर यानी इस चैप्टर के अंदर हमें जो है सर्कुलर ज्योमेट्री को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, हमें जो डिस्कस करनी है वो एक स्पेरिकल ज्योमेट्री को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको सर्कुलर ज्योमेट्री को नहीं पढ़ना है, आपको कौन सी ज्योमेट्री पढ़ना है, स्पेरिकल ज्योमेट्री को पढ़ना है। अब देखो स्पेरिकल ज्योमेट्री को कैसे बना सकते हैं, ये भी बस कुछ नहीं होता है, जैसे सर्कुलर की तरह ये भी होता है। जैसे मैंने यहां पे एक बनाया स्पेरिकल ज्योमेट्री,
ठीक है, ये मैंने एक स्पेरिकल ज्योमेट्री लिया और इस स्पेरिकल जो जो इस स्पेरिकल जो ज्योमेट्री है इसके चारों तरफ मैंने क्या किया, यहाँ पे से एक रेड टाइप का मेरा जो बना रहा हूँ, ये रीजन इसका क्या बनाने का, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखो ये जो स्पेरिकल जो ज्योमेट्री है आपको जो दिखाई दे रहा है, जो मैं ब्लैक डॉट जो बनाया हूँ, ये ब्लैक डॉट आपका क्या होता है, एक ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है, एक ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है, ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है। ऑपेक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई लाइट यहां आएगी वो क्या करेगी, इस तरफ नहीं जाएगी, मतलब कि यहां पे लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑपेक ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी आगे लाइट जाएगी नहीं सकती है, मतलब उसके आगे के पीछे लाइट नहीं। जैसे कि मान लो यहां से कोई इंसिडेंट लाइट आ रही है, यानी कोई लाइट आ रही है, लाइट व्हाइट लाइट आ रही है, तो मैं ऑपेक ऑब्जेक्ट हूं, मेरे पीछे की लाइट नहीं जाएगी। इस तरह से यहां पे ये जो ब्लैक वाला होता है एक ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है, जहां पे लाइट कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी लाइट यहां से आगे की तरफ नहीं जाती है। दूसरा जो अंदर का जो सरफेस एरिया आप देख रहे हो, जिसको मैंने रेड से बनाया हुआ हूं, ये एक क्या होता है, इसको खूब बढ़िया सा हमने पॉलिश करके रखा है, साइनिंग कर रखा है, ताकि यहां पर इसका ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है। क्या है आपका, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, देख रहे हो इस तरफ जो अंदर की तरफ होता है। तो अगर इस स्पेरिकल ज्योमेट्री में एक आपके अंदर के तरफ जो आपके सरफेस होता है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, और जो आपको ब्लैक जो मैंने बना के रखा हूं उसको क्या बोलते हैं, आपके ऑपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब मैं आपको ये कहूं कि अगर मैं इसको आधा कर दूं, ऐसे यहां से मैं इसको क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मतलब एक सर्कुलर, हाफ सर्कुलर आपको दिखाई देगा, एक क्या दिखाई देगा आपको, हाफ सर्कुलर, यानी सी टाइप को आपको दिखाई देगा, इस तरह से, इस तरह से थोड़ा सा आपको बना दो इस तरह से, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से बना लेते हैं, हाँ इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये जो आपका इस तरह से जो आया रेड सरफेस, यानी जो रेड वाला है ये आपका मान लो ऑपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी इस तरह से आपको लगा दो इसकी तरफ, ऑपेक ऑब्जेक्ट लगा दो, और ये जो आपको मैं ब्लैक तरफ से भी बनाऊंगा यहाँ पे, ये इसकी जो होगी, ये जो सरफेस होगी, ये सरफेस उसकी कौन सी होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, यानी कि यहां से कोई इंसिडेंट रे आएगी और इस रिफ्लेक्टर, ये पॉलिश वाली एरिया है, और यहां से लाइट क्या जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और आप देखोगे कि ये एक केव की तरह दिखाई दे रहा है, कौन सी तरह दिखाई दे रहा है, केव की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि जो स्पेरिकल जो मिरर होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, एक होते हैं हमारे पास कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। देखो ये मैंने जब कहा कि एक स्पेरिकल ज्योमेट्री को अगर हाफ आप कर दो, आधा कर दो, तो इस वाले जो एरिया आप देख रहे हो ये आपका सरफेस एरिया है, जहां से इंसिडेंट रे क्या कर सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, और ये जो ब्लैक डॉट बनाया मैंने, यानी इस तरफ जो बना हुआ है, एक ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है, वहां पर लाइट पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, मतलब वो रिफ्लेक्टिंग एरिया नहीं है, ठीक है। यानी आप यहां से डालो, यहां से आप इंसिडेंट रे पास करोगे तो यहां से क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और आप देखो ये केव की तरह दिखाई दे रहा है, गुफा के, केव का मतलब क्या होता है, गुफा होता है, तो ये केव की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम कौन सा मिरर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो पहली बात आपको स्पेरिकल मिरर में आपको पहले तो आपको समझ में आ गया कि कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, ये आपको सबको समझ में आ गया कि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। बस आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। तो आगे अगर मैं जस्ट इसका उल्टा कर दूं, जस्ट मैं इसका उल्टा कर दूं, यानी कि इस तरीके से देखो, इस तरीके से कर दो, यानी कि जहां पर अब की बार ये जो सरफेस है देख रहे हो, यानी जैसे उसका उल्टा हो जाएगा ना, इस बार देखो ये आपका आधा वाला पार्ट, तो ये दोनों आपके क्या होंगे, ये दोनों आपके कॉन्वेक्स है, देखो इस तरह से सरफेस एरिया आपका है और इस तरह से आपका ऑपेक ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपका सरफेस, ये अंदर वाला आपका सरफेस एरिया है और ये बाहर वाला आपका क्या है, ऑपेक ऑब्जेक्ट है। इसका जस्ट उल्टा करूंगा तो आपको मिलेगा एक कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा, देखो कि जहां पर, यानी कि ये वाला जो एरिया होगा आपका इस तरफ, ये वाला जो एरिया होगा आपका यहाँ पे एक होगा ऑपेक ऑब्जेक्ट की तरफ, और इस वाले जो यहाँ पे आएंगे ये आपका क्या होता है, शाइनिंग वाला होगा एरिया, यानी कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस एरिया है
वो आपका कौन सा होगा, इस तरफ से होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, और इसे क्या कहते हैं, हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसको एक और अच्छे ढंग से मैं समझ सकता हूँ, या अच्छे ढंग से मैं आपको और तरीका बता सकता हूँ कि देखो इस तरह से कि हमारे पास जनरली क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, और प्लेन मिरर को हम इस तरफ जो बनाते हैं क्या बनाते हैं, ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है। अभी आपको हमने बताया ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इस तरफ शाइनिंग वाइनिंग किया गया है, पॉलिश वॉलिश किया गया है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे बने। अगर मैं इस प्लेन मिरर को, ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर इस प्लेन मिरर को अगर मैं मोड़ दूं, यानी कि थोड़ा सा इसके आगे की तरफ मोड़ दूं, तो कुछ ये यूं तरह बन जाएंगे, देखो ऐसे, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका देखो केव की तरह दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, केव की तरह दिखाई दे रहा है। इसका ये मतलब क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया आपका, क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। और अगर इस चीज को मैं इस तरफ से मोड़ दूं थोड़ा सा, मतलब कि इस तरफ से देखो ऐसे, तो ये देखो आपको, ये देखो आपको इस तरह से अगर मोड़ दोगे तो इस तरफ का आपके क्या हो जाएगा, ऑपेक ऑब्जेक्ट बन गया, और ये वाला जो पोर्शन है आपका रिफ्लेक्टिंग एरिया बन जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा जहां से इंसिडेंट रे पास कर सकती है। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल आपका ये है कि एक स्फेरिकल मिरर में आपको दो टाइप के मिरर्स मिलते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। एक और इसको आसान तरीका से बता सकता हूं कि आपको देखो जो मिड पॉइंट होता है, ये आपको देख लो, ये जो प्लेन मिरर होता है, ये प्लेन मिरर मान लो आपके दो उधर होते हैं, ठीक है, और ये सेंटर जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, आपको इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट, यानी मिडिल पॉइंट बोल सकते हैं इसको। तो मिडिल पॉइंट इसका क्या होता है, आप देखोगे कि आपका थिक साइड होता है, थिन साइड होता है ना, थिक मोटा सा, ये थोड़ा सा देखो मोटे की तरफ हो गया, थिक साइड हो गया, और ये आपका देख रहे हो, ये दोनों आपके इस तरह से दबे हुए हैं। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि यानी ये बल्ज टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका एरिया किस तरफ दिखाई दे रहा है, आपको बल्ज टाइप दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये आपको किस तरफ दिखाई दे रहा है, आपको एक ये सरफेस जो सरफेस एरिया की तरह दिखाई दे रहा है, कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह दिखाई दे रहा है। तो आपका ये क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है आपको मैंने बताया, और ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या होता है ये हमने बताया। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपको समझना, आपको सबसे जरूरी है कि आगे की जो भी डिस्कस हम करने वाले हैं, इस पर जो भी इमेज फॉर्मेशन जो बनाएंगे, तो हमें सिर्फ इन्हीं पे ही बनाना है, कॉनकेव मिरर पे और कॉन्वेक्स मिरर पे। तो सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट है कि एक स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, आप देखो इस तरह से ये स्पून आपको तो दिखाई दे रहा होगा, तो जो स्पून है इस तरफ वाला, यानी कि आप इस तरह से पहले देखो कि ये वाला जो भाग देख रहे हो आप, इस तरफ जो आपको देख रहे हो स्पून के जो अंदर डिप जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये डिप पॉइंट आपका कौन सा मिरर होता है, आपका ये कॉनकेव मिरर होता है। और ये आप इस तरफ से आप देखोगे, इस तरह से एरिया को आप देखो, ये बल्ज टाइप आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर आप इस तरह से अगर स्पून को रखो, तो आपको एक देखो जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, इस तरह से जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये आपका सरफेस एरिया है, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग आपका जो होगा एरिया ये होगा, और ये आपका कौन सा कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और इस तरफ से अगर मैं बना दूं, यानी कि बाहरी तरफ आप देखोगे इस तरफ से, तो ये आपका कौन सा कहलाता है, बल्ज टाइप होता है, और ये कौन सा मिरर कहलाता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो बस आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं इतना ही बता रहा हूं कि स्फेरिकल मिरर को हम क्या किसे कहते हैं, कॉनकेव मिरर हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, और किस तरीके से होता है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि द इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ रेडियस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, पोल क्या होता है, ये सारे टर्म्स को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डायग्राम के साथ बताएंगे। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ स्फेरिकल मिरर, नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ यूज को यूज करेंगे स्फेरिकल मिरर के अंदर। ओके, थैंक यू।